अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो 2 दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की जाए। इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और आज मैंने बड़ी मुश्किल से इसके लिए टाइम निकाला। कोर्स जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि आई विल अपलोड एज मच एज आई कैन टू चेक द एल्गोरिथम, तो सेम चीज़ टुडे आई एम गोइंग टू डू। और अब जो है वो वीडियो में चलते हैं। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। हिज नेम इज़ रणवीर सिंह। एज यू ऑल नो ही इज़ मोस्ट पॉपुलर एक्टर इन बॉलीवुड। तो इनका नाम क्या है? रणवीर सिंह भावनानी। कब पैदा हुए थे? 6 जुलाई 1985। इज एन इंडियन एक्टर हु वर्क्स इन हिंदी फिल्म्स। दी रेसिपिएंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग 5 फिल्मफेयर अवार्ड्स। इज अमंग द हाईएस्ट पेड इंडियन एक्टर्स एंड हैज बीन फीचर्ड इन फोर्ब्स इंडियन सेलिब्रिटी 100 लिस्ट सिंस 2012। तो क्या चीज़ है फोर्ब्स इंडियन सेलिब्रिटी लिस्ट? क्या चीज़ है थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ। फर्स्ट कर लो, आपके स्कूल में है, आप स्कूल में काम कर रहे हो और वहाँ पर आप जो है वो पोजीशन वाइज आपका नंबर आता है, ठीक है। फर्स्ट कर लो तो 100 स्टूडेंट्स हैं, अब उन्होंने क्या है, हमने फर्स्ट 100 जिनकी आएंगी कह लो आप फर्स्ट 100 जिनकी पोजीशन आएंगी उनके हम नाम लिखेंगे, उनकी लिस्ट बनाएंगे। सेम चीज़ इनके होता है कि जो ज़्यादा पॉपुलर होता है या ज़्यादा पेड एक्टर होता है उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है और वो लिस्ट जो है वो बाद में पब्लिश की जाती है। उस पर जिनका नाम आता है तो उसके बारे में लिखा होता है कि ही अर्न दिस, ही इज दैट काइंड ऑफ फेमस। तो ये चीज़ आगे क्या है, आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम इंडियाना यूनिवर्सिटी बलिंगटन सिंह मेड हिज एक्टिंग डेब्यू विद द लीडिंग रोल इन यश राज फिल्म्स रोमांटिक कॉमेडी बैंड बाजा बारात। वी ऑल नो कि बैंड बाजा बारात इज द मोस्ट पॉपुलर मूवी और इनका ये डेब्यू जो था ये काफ़ी ज़्यादा हिट रहा। बिकॉज बहुत लोगों ने पसंद की थी, बहुत ज़्यादा लोगों को जो है इनकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी लगी थी, बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें फन अच्छा लगा था। तो आप कह लें कि बैंड बाजा बारात इज़ अ काइंड ऑफ एम्यूजमेंट। तो द फिल्म वाज अ क्रिटिकल एंड कमर्शियल सक्सेस अर्निंग हिम द फिल्मफेयर अवार्ड्स फॉर द बेस्ट मेल डेब्यू। तो इससे मैंने जैसे आपको बताया कि एक अच्छी फिल्म इन्होंने क्रिएट की थी अपनी पहले डेब्यू में, तो इनको अवार्ड मिला फर्स्ट डेब्यू बेस्ट, ठीक है, फिल्मफेयर अवार्ड। ही गेन प्राइज फॉर प्लेइंग अ मेलनकोलिक थीव इन द पीरियड रोमांटिक ड्रामा लुटेरा। लुटेरा मूवी मैंने नहीं देखी बट ही प्लेड वेरी वेल अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया एंड एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ स्टार थ्रू हिज कोलैबोरेशंस विद संजय लैला भंसाली। तो इनके साथ कोलैबोरेशन, ये डायरेक्टर हैं जो मूवीज डायरेक्ट करते हैं, तो इनके साथ कोलैबोरेशन करके इन्होंने अकेले के अच्छा काम किया था। एक अच्छी मूवी इनकी क्रिएट हुई थी, द फर्स्ट ऑफ विच वाज इन द गोलियों की रसलीला रामलीला 2013 में ही आई थी और ये भी लुटेरा भी 2013 में आई थी। तो बहुत गेन अ लॉट ऑफ सक्सेस यू कैन से। ही गेन क्रिटिकल अक्लेम फॉर पोर्ट्रेटिंग बाजीराव एंड अलाउद्दीन खिलजी इन बंसली पीरियड ड्रामास बाजीराव मस्तानी। तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया था, इनके काफ़ी डायलॉग पॉपुलर हुए थे, ठीक है। मतलब एक कह लो के करेक्टर ना सूट किया था इनके ऊपर। एंड अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स फॉर द लीडर दीज अलोंग विद द एक्शन फिल्म सिम्बा इन विच ही प्लेड द टाइटल करेक्टर रैंक अमंग द हाइएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म। आप जैसे कि पढ़ सकते हैं कि सिम्बा जो मूवी थी हाइएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म थी, तो काफ़ी कामयाब हुई थी। इट वॉज लाइक इसमें अजय देवगन भी थे, तो अजय देवगन की जो पहले मूवीज आ रही थी पुलिस वाली सीरीज, तो सेम चीज़ इन्होंने क्रिएट की थी, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर हुई। ही वॉन्ट टू फर्दर फिल्मफेयर अवार्ड्स फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर प्लेइंग एन इंस्पायरिंग रैपर इन द म्यूजिशियन ड्रामा गुली बॉय। गुली बॉय भी इसके भी डायलॉग काफ़ी अच्छे मजे, जिसमें साथ में इनके आलिया भट्ट थी और आलिया भट्ट जो है वो एक पोजेसिव रोल इसमें अदा करी थी। एंड कपिल थे इन द स्पोर्ट्स फिल्म 83 में, मतलब ये कपिल देव बने हुए थे और उनका पास जो गुजरा हुआ है वो अपने दिखा रहे थे, जैसे कि मतलब एक ट्रिब्यूट के तौर पे। सिंह हैज आल्सो होस्टेड द टेलीविजन गेम शो द बिग पिक्चर इन 2021 से 2022 तक एंड एंडोर्सेस सेवरल ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट। ही इज मैरिड टू हिज फ्रीक्वेंट को स्टार दीपिका पादुकोण ऑफ स्क्रीन। ही इज नोन फॉर हिज फ्लैम्बोयंट फैशन सेंस। तो इनका एक जो फैशन सेंस है ना, जो कि ये भी कह रहे हैं विकिपीडिया वाले, वो काफ़ी यूनिक होता है। पर लाइक ये जो है कि आम लोग की तरह फैशन नहीं करते, कि कभी लंबा कोट पहना होता है, कभी कोई फैशनेबल शॉपर वाली प्रोडक्ट पहनी होती है। तो हमारे मतलब हम लोग मिजाज बढ़ाते हैं, बट इट्स काइंड ऑफ फैशन, ठीक है। तो
इसकी वजह से इनकी एक अलहदा पर्सनैलिटी बनी हुई है बॉलीवुड में। रणवीर सिंह बागधानी वॉज बॉर्न ऑन 6 July 1985 इंटू अ सिंधी फिल्म इन द बॉम्बे महाथाशा इंडिया नाउ मुंबई टू अंजू एंड जगित सिंह भावनानी। हिज ग्रैंड पेरेंट्स मूव टू बॉम्बे फ्रॉम कराची सिंध इन द प्रेजेंट पाकिस्तान। ओके, तो इनके ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी जो थे वो कराची से थे पहले। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया ही हैज एन एल्डर सिस्टर रतिका भावनानी। सिंह इज द पैटर्नल ग्रैंड सन ऑफ द कैरेक्टर एक्ट्रेस चांद बुर्की एंड इज रिलेटेड टू एक्टर अनिल कपूर फैमिली थ्रू हिज वाइफ सुनीता कपूर ने भावनानी। सिंह एक्सप्लेन दैट ही ड्रॉप हिज सरनेम भावनानी सिंस ही फेल्ट दैट द नेम वुड बी टू लॉन्ग टू मैनी स्लीपलेस दस डाउन प्लेइंग हिज ब्रांड एज अ सेलेबल कमोडिटी। तो भावनानी इन्होंने क्विट कर दिया यू कैन से कि वो एक लंबा नाम हुआ था लेने में। सिंह ऑलवेज एस्पायर टू एन एक्टर पार्टिसिपेटिंग इन द सेवरल स्कूल्स प्लेज एंड डिबेट्स। हाउएवर आफ्टर ही जॉइन एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स इन मुंबई सिंह रियलाइज दैट गेटिंग अ ब्रेक इन द फिल्म इंडस्ट्री वॉज नॉट ईजी फीलिंग दैट द आइडिया ऑफ एक्टिंग वॉज टू फार फेच्ड। सिंह फोकस ऑन क्रिएटिव राइटिंग ही वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट वेयर ही रिसीव्ड हिज बैचलर ऑफ आर्ट्स इन द टेली कम्युनिकेशन फ्रॉम इंडियाना यूनिवर्सिटी बर्लिंगटन इन 2008 एट द यूनिवर्सिटी ही डिसाइडेड टू टेक एक्टिंग क्लासेस एंड टुक अप थिएटर एज हिज माइनर। तो माइनर का मतलब आप यहाँ कह लें कि इन्होंने थिएटर को फिर मतलब अपना मान लिया और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो अपने आप को इन्होंने इम्प्रूव किया। आफ्टर कम्प्लीटिंग हिज स्टडीज एंड रिटर्निंग टू मुंबई इन 2007 सिंह वर्क फॉर फ्यू ईयर्स इन एडवर्टाइजिंग एज अ कॉपी राइटर देन विद एजेंसी लाइक ओएम एंड जे वाल्टर थॉम्सन। इन कंपनीज के लिए कॉपी राइटिंग वाला काम करता रहे उन्होंने अदा किया। ही ऑल्सो वर्क एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर बट लेफ्ट इट परस्यू एक्टिंग। इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि अपनी एक्टिंग को लेके चलना चाहते थे ना कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर। देन ही डिसाइडेड टू सेंड हिज पोर्टफोलियो टू डायरेक्टर्स मतलब फिर वो कहते नहीं कि जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। ही डिड द सेम एट दैट टाइम। तो इन्होंने भी सेम चीज़ अपनी पोर्टफोलियो ये सब कुछ सेंड करना शुरू कर दिया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो जिनको ये जानते थे उस वक्त में। ही वुड गो फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑडिशंस बट डिड नॉट गेट एनी गुड अपॉर्चुनिटीज व्हाइल एनी ओनली गेटिंग कॉल्स फॉर माइनर रोल्स। एवरीथिंग वाज सो ब्लीक इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग देयर वर टाइम्स आई वुड थिंक वेदर आई वाज डूइंग द राइट थिंग और नॉट। तो अब उनकी सक्सेस स्टोरीज में अगर आप देखें थोड़ा सा ही सेड कि मतलब मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि मेरा क्या पे है जो मैं कर भी रहा हूँ वो दुरुस्त भी है या नहीं। तो क्योंकि इन्हें जो है वो कॉल आ रही थी तो वो छोटे छोटे रोल की वजह से थी रोल करने के लिए। तो चूँकि ये नहीं करना चाहते थे यस कोई भी शख्स नहीं चाहेगा जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी मैं छोटा काम करूँ जो कि कुछ बड़ा कर सकता हो। तो बट एज यू कैन सी टुडे ही इज़ मोस्ट पीपल नाउ हिम बिकॉज ऑफ हिज फैशन बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग स्किल। तो ये होता है इम्प्रूवमेंट अपने आप में। ब्रेक थ्रू 2014 में आया उनका। इन 2010 सिंह ऑडिशन फॉर अ लीड रोल इन द मनीष शर्मा बैंड बजा बरात आर रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम द प्रोडक्शन कंपनी यश राज फिल्म्स। इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑडिशन प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा कास्ट हिम फॉर द पार्ट ऑपोजिट अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा के साथ सिंह डिस्क्राइब हिज रोल ऑफ पिट्टू शर्मा एज अ टिपिकल दिल्ली बॉय। टू प्रिपेयर फॉर द रोल ही स्पेंड टाइम विद स्टूडेंट्स एट द दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस डिस्पाइट रिजर्वेशंस अबाउट द फिल्म्स कमर्शियल अपील फ्रॉम द ट्रेड जर्नलिस्ट द फिल्म इमर्ज एज अ स्लीपर हिट। सिंह्स परफॉर्मेंस वाज प्रेज्ड विद द अनुराना चोपड़ा ऑफ एन डी टी वी राइटिंग दैट सिंह वाज पिच परफेक्ट इन द रोल ऑफ अनकाउंट बट गुड हार्टेड स्मॉल टाउन स्लैगर। द एनुअल फिल्म फेयर अवार्ड सिंह वन द अवार्ड फॉर द बेस्ट मेल डेब्यू। तो क्या हुआ था कि पहले तो उनकी मूवी जो है वो इतनी ज़्यादा उसको पब्लिसिटी नहीं मिल रही थी जर्नलिस्ट के साथ जो बात चल रही थी। तो मतलब एक किस्म का कह लो आप एक मूवी साइड पे बनी हुई थी बट इट वाज नॉट गेटिंग मच अटेंशन जो कि इसे चाहिए थी। ओके, तो बाद में जो अनुपमा चोपड़ा जो है NDTV से बिलोंग करती हैं शी रोट के इनकी जो पिच थी ना बोलने की उस मूवी के अंदर वो यू नो एट द पॉइंट वो जैसे कहते हैं कि बॉल जिसने करवाई है बहुत अच्छी और वो डैट बॉल इज एट द पॉइंट। तो डैट वॉज अ थिंग ही यू नो कॉम्प्लीमेंट
फॉलिंग बैड वाज एवर हा सिंस आई एंड ऑन द लेडीज वाज शक्की बेल आई बिलीव इट्स ऑल्सो गुड मूवी आई हैव वॉच्ड इट आर रोमांटिक कॉमेडी वंस अगेन प्रोड्यूस बाय चोपड़ा डायरेक्टेड बाय मनीष शर्मा एंड को स्टारिंग अनुष्का शर्मा ही प्लेड अ कोन मैन रिकी बाय हु कॉन्स गोज फॉर अ लिविंग बट फाइनली हेट्स हिज मैच तो इसमें भी जो कि पहले मूवी वही सेम पार्टनर वही सेम लेडी के साथ उन्होंने फिल्म बनाई तो मुझे एक टाइम पर ये लग रहा था कि बोथ विल गेट मैरिड बट एनी हाउ जिसको जो पसंद आए तो अकॉर्डिंग टू सिंग द टाइटल कैरेक्टर हैड वेरियस एवेटर्स इन द फिल्म इंक्लूडिंग अ चिरपी एंटरटेनिंग साइड एंड अ सिनिस्टर साइड निज़ाम द टाइम्स ऑफ द इंडियन वॉर रणवीर इज अ वेल फैमिलियर योर एवरेज जॉय काइंड ऑफ हीरो हु लुक्स कन्विंसिंग टीन अप एज सनी देवन इकबाल और हिज सनडे वेटर्स कमर्शियल लेडीज परफॉर्म मॉडरेटली वेल रिसीव क्रिटिकल अक्लेम फॉर विक्रम आदित्य तोवाने पीटर रोमांटिक ड्रामा लुटेरा को स्टारिंग सोनाक्षी सिन्हा एंड एडप्शन ऑफ अकू हेनरी शॉर्ट स्टोरी द लॉस्ट लीव द फिल्म टेल्स द स्टोरी ऑफ पक्की रॉय चौधरी अ यंग बंगाली वुमन फॉल्स इन लव विद अनु श्रीवास्तवी तो मतलब डिफरेंट इनकी आजकल ये मूवीज थी और डिफरेंट मूवीज में उन्होंने काफ़ी अच्छा किरदार अदा किया है ही गेन्ड मच सक्सेस फ्रॉम दीज मूवीज तो यू नो यू कैन से रिसेंट ईयर ही वर्क विद इस जो है वो वाइफ के साथ जो कि टी वी का पाडुकोन है उनके साथ उन्होंने काम किया एंड गेन्ड मच सक्सेस इन दोज मूवीज और बाद में उन्हीं के साथ उन्होंने शादी की तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द वीडियो चैनल सॉरी थैंक यू अल्लाह हाफिज़ सब्सक्राइब नाउ